नमस्कार, शांति किचन में आपका स्वागत है। आज मैंने बनाया है हरी मूंग की पूरी, तो ये बहुत ही टेस्टी बनी है। इसे आप अचार, सब्जी किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। मैंने इसे सब्जी के साथ सर्व किया है। तो अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मूंग का पेस्ट बनाएंगे। ये 1 कप हरी मूंग की दाल है, इसको रात में मैंने पानी में भिगो दिया था। अब इसमें ये 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 8-10 कली लहसुन, 3 हरी मिर्च, 1/2 चम्मच धनिया, 1/2 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच सौंफ। अब इसका हम पेस्ट बना लेंगे। ये पेस्ट बनकर तैयार है, इसमें मैंने पानी बिल्कुल नहीं डाला है। अब हम इसको निकाल लेंगे। अब आटे का डो बनाएंगे। 1.5 कप मैदा है, आप इसकी जगह आटा भी ले सकते हैं। ये मैंने 2 चम्मच इसमें तेल डाला है। अब इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब इसमें इसको पेस्ट को डाल देंगे। ये 1/4 हींग है और नमक टेस्ट के अनुसार, और ये थोड़ी सी कटी हुई धनिया है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका डो तैयार कर लेंगे। ये डो बनकर तैयार है। इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट होने देंगे। 10 मिनट हो गए हैं, अब हम पूरी बेल लेंगे। इस तरह से हम सारी पूरी बेल लेंगे। ये मैंने सारी पूरी को बेल लिया है, अब हम इसे फ्राई करेंगे। ये मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। तेल को चेक कर लेते हैं, अब अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम पूरी को फ्राई करेंगे। अब इसको दोनों तरफ से अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। अब ये पूरी फ्राई हो गई है, इसको हम निकाल लेंगे। इसी तरह से हम सारी पूरी को फ्राई कर लेंगे। ये मैंने पूरी को फ्राई कर लिया है, अब हम इसे सर्व करेंगे।